बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं आपके किचन में जो रेसिपी बना रही हूँ वो है चॉकलेट ब्रोनी के। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 1/4 कप मैदा जो मैंने स्ट्रेन करके रखा हुआ है, 1/4 कप कैस्टर शुगर, 2 से 3 टेबल स्पून कोको पाउडर, ये भी मैंने स्ट्रेन करके रखा हुआ है, 1/4 टीस्पून हमें इसमें कॉफ़ी चाहिए, 4 टेबल स्पून बटर जो मैंने मेल्ट करके रखा हुआ है, 1/2 टीस्पून हमें इसमें बेकिंग पाउडर चाहिए, 2 अंडे, 1/2 प्याली हमें इसमें नीम गरम दूध, 1/4 टीस्पून कॉफ़ी को हम नीम गरम दूध में शामिल कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कॉफ़ी ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो आप इसको ऐड कर लें, नहीं तो हम इसको नीम गरम दूध भी शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले 1/4 कप हम इसमें कैस्टर शुगर शामिल करेंगे। वन फोर्थ कप हम इसमें मैदा शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें कोको पाउडर ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून अब हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही आसानी से बन जाने वाला केक है। 3 से 4 मिनट में यह माइक्रोवेव में तैयार हो जाता है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से बीटर के साथ मिक्स कर लेंगे। चीज़ें हमारी मिक्स हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम इसमें कॉफ़ी वाला दूध ऐड कर लेंगे। चार टेबल स्पून बटर जो हमने मेल्ट किया हुआ था वो शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें 2 अंडे शामिल कर लेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम एक माइक्रोवेव सेफ बॉल में, मैं इसको बटर या ऑयल के साथ आप अच्छी तरह ग्रीस कर लें। मैंने इसको पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है। अब ये सारा मिक्सचर हम इसमें ऐड करके इसको माइक्रोवेव में रख देंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। चार मिनट के लिए अब हमने इसको माइक्रोवेव में रख दिया है। अब जो हमने केक के ऊपर क्रीम के साथ टॉपिंग करनी है वो मैं आपको तैयार करके दिखा देते हैं। 2 से 3 चम्मच इसमें हम क्रीम, फ्रेश जो क्रीम है आप उसमें उसको अच्छी तरह से बीट कर लें। अब हम इसमें कोको पाउडर, चॉकलेट चिप और कोई सी भी चॉकलेट, चाहे आपके पास कैडबरी है या कोई सी भी चॉकलेट है, आप इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चीज़ें हमने शामिल करके अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
ये देख रहे हैं, ये क्रीम जो चॉकलेट है ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें चॉकलेट चिप भी है, तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम अपने केक की तरफ चलते हैं। 4 मिनट हो चुके हैं, अब देख सकते हैं केक हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। देखें केक हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको किसी भी चीज़ के शीट के साथ, अगर आपके पास किचन टॉवल है या कोई भी जो आप किचन में शीट इस्तेमाल करते हैं उसके साथ 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे। 2 मिनट के साथ के लिए हमने इसको किचन शीट के साथ कवर कर दूंगी। अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है, इसकी हम चॉकलेट के साथ टॉपिंग कर लेंगे। जो चॉक क्रीम है हमारी, आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्रीज़र में, हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, अब हम इसके साथ टॉपिंग कर लेंगे। केक के ऊपर ये चॉकलेट हमारी अच्छी तरह से स्प्रेड हो गई है। अब अगर आपको अच्छा लगे, बच्चों को पसंद होता है, ऐसे स्प्रिंकल्स अब हम इसके ऊपर ऐड कर लेंगे। ये 4 मिनट में तैयार हो जाने वाला बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा केक है। आप ज़रूर अपने किचन में इसको ट्राई कीजिएगा। ये केक हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तब अल्लाह हाफिज़।